सुशांत के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सुशांत को गए अभी 5 महीने भी नहीं बीते कि उन्हीं की फिल्म कायपोछे में नजर आ चुके अभिनेता आसिफ वसरा ने भी अलविदा कह दिया। आसिफ की खबर से पूरा देश इसलिए हिल गया क्योंकि जैसे सुशांत गए वैसे ही आसिफ भी चले गए। 53 साल के बसरा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैकलोगंज में एक कैफे के पास आखिरी सांस ली। ठीक वैसे ही आसिफ गए जैसे सुशांत गए। जी हां, आसिफ ने अपने पालतू कुत्ते की रस्सी से फंदा तैयार किया और उसमें हमेशा के लिए लटक गए। अभी तक आसिफ के जाने की वजह तो पता नहीं चली है, लेकिन खबर ने इंडस्ट्री को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जैसे अब तक सुशांत को लेकर कई राज छुपाए जा रहे थे, वैसे ही आसिफ के जाने के पीछे कई राज बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभिनेता आसिफ वसरा पिछले 5 सालों से मैकलोगंज में एक किराए के मकान में रह रहे थे। उनके साथ उनकी एक विदेशी महिला फ्रेंड भी रहती थी। पुलिस जांच भी में लग गई है, लेकिन लोगों को शक एक ही तरफ जा रहा है कि क्या सुशांत से जुड़े मामले में आसिफ को भी हटाया गया है, क्योंकि सुशांत के अचानक से चले जाने के बाद उनकी हर फिल्म से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनके दोस्तों से लेकर उनके परिवार तक हर किसी से पूछताछ की गई। हालांकि कहा जा रहा है कि सुशांत केस में कई अहम सबूत मिले जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करें। ऐसे में हो सकता है कि आसिफ के जाने की वजह भी साजिश की गई हो, क्योंकि आसिफ के जाने की वजह भी डिप्रेशन बताई जा रही है। जी हां, जिस तरह से सुशांत के जाने के बाद कहा गया था कि वो डिप्रेशन की वजह से गए, वही वजह आसिफ की भी बताई जा रही है। आसिफ वसरा ने इसके अलावा वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और जब वी मेट जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम किया था, तो वहीं पाताल लोक जैसी सीरीज में भी काम किया था। और आसिफ बसरा एक जाने पहचाने और बड़े एक्टर थे, लेकिन उनके अचानक जाने से फिल्म इंडस्ट्री के साथ उनके चाहने वालों को भी बड़ा धक्का लगा है। अब फिलहाल उनके खत्म होने की पक्की वजह सामने नहीं आई है, जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि सवाल वही सुशांत की तरह यहाँ भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यहाँ भी साजिश के ही उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसको लेकर आसिफ बसरा खुद को ही खत्म कर ले। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सुशांत की तरह यहाँ पर भी साजिश हुई, या फिर डिप्रेशन ने दोनों को शिकार बना लिया?